अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं सोया चंक का पुलाव बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए सोया चंक है, इसको मैंने गर्म पानी में आधा घंटा भिगो कर रखा था, फिर सारा पानी इसका निकाल के लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे सॉफ्ट होना जरूरी है, सारा पानी अच्छे से निकाल कर लेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए बासमती, उसको मैंने धोकर भिगो कर रखा है। 3 आलू कटे हुए, 2 टमाटर, 3 प्याज कटे हुए, आधा पहली ये हरा मटर है, और ये 3 टेबलस्पून भर के हरा मसाला है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, ये खड़ा गरम मसाला है, दालचीनी इलायची लौंग काली मिर्ची, और ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, दही 150 ग्राम लगेगा, नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये जीरा है। अभी हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डालेंगे और एक खड़ा गर्म मसाला डालेंगे। इसको थोड़ा सा फूटने देंगे इसकी खुशबू आने तक। अब इसमें प्याज डालेंगे, और नमक डालेंगे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे गुलाबी कलर का, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और सोयाबीन को अच्छे से पानी से निचोड़ कर लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए उसमें। ये देखिए प्याज हो गया, इसको इतना लाल करेंगे, अच्छे से हो गया है। अब इसमें टमाटर डालेंगे और ये हरा मसाला डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके टमाटर गलने तक इसको हम लोग अच्छे से भून कर लेंगे। टमाटर गलेगा अच्छे से और मसाला भी हमारा भून जाएगा, तो ढक्कन डालकर टमाटर गला कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी भून गया, अब इसमें सोया चंक डालेंगे और इसको भी 2 मिनट तक अच्छे से भून कर लेंगे, मसाले के साथ अच्छे से भून कर लेंगे, फिर इसमें दही डालेंगे। अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें दही डालूंगी। आप इसमें सब्जी अपने पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं, मैं मटर और आलू डाल रही हूँ इसमें। ये मटर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से दही के साथ फिर एक बार भून कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर इसमें हम लोग जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे चावलों के हिसाब से, और फिर चावल ऐड करेंगे। ये अच्छे से भून गया, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आपके चावल कितने हैं और कैसे हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डालो। अभी और थोड़ा मैं पानी डालूंगी इसमें, आधा गिलास और, इसको पानी को उबाल आने देंगे, फिर इसमें हम लोग चावल डालेंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इसमें आलू ऐड करेंगे, इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके लेंगे और अब इसको उबाल आने देते हैं। पानी को वो अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब इसमें हरी मिर्ची में 2 डाल रही हूँ, तीखा कम था इसके लिए। अब इसमें चावल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब इसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं और अच्छा टेस्ट आता है नींबू के रस से। अरे हरा धनिया पुदीना कटा हुआ डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन डालकर इसको पकने दे दें चावल को अच्छे से। जब पानी सूख जाएगा तो हम इसको दम पर देंगे। ये देखिए चावल का पानी सूख चुका है, थोड़ा सा पानी है, अभी हम लोग इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करके जो पानी हमने डाले थे चावल में बराबर हो गया, क्योंकि चावल हमारे भिगे हुए थे, इसके लिए इसको कम पानी लगता है। देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल हो गए और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत टेस्टी बनता है ये पुलाव। अभी लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट हम लोग दम देंगे। ये देखिए पुलाव को 10 मिनट हो गए और ये दम पे आ चुका है, देखिए कितने भाप निकल रही है अच्छे से, चावल भी एकदम अच्छे खिले खिले हो गए। अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। ये हमारा सोया चंक पुलाव बन के रेडी है, एकदम टेस्टी बना है।
आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।